अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पर नाश्ता मैं बना रही थी और जो है आज हमारा दिन जो स्टार्ट हुआ तो बच्चे जो है वो पीटीआई के झंडे लगाने में मसरूफ थे। सही है, ग्रीन ग्रीन है, मैच हो जाएगा। तो जी, ईद की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, तो अब जो है वो मदरसा स्टार्ट हो गया था। अब्दुल हादी को तो अभी भी जो है ना नहीं जाना था क्योंकि इनके मदरसे में थोड़ा सा काम हो रहा है। तो अयान और जो है अब्दुल हादी जा रहे थे रुमीसा को मदरसे छोड़ने के लिए, तो वो पहले उन्होंने जो है ना अपना काम ख़त्म कर दिया और अब वो जा रहे थे रुमीसा को छोड़ने के लिए। अल्लाह तो जी, ये देखें अयान मेरे लिए लेकर आया था। ये कोई स्वीट डिश होती है, अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो, मैं बचपन में मिलती थी तो मुझे इसका नाम नहीं पता, तो आपको अगर पता हो तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है। तो टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और जहाँ से की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने जो है ना वो नाश्ता नहीं किया था, सोए हुए थे वो, तो अब जो है वो उनके लिए मैं नाश्ता बनवा रही थी। तो जहाँ से आपको नाश्ता देने के बाद जो है मुझे बच्चों को भेजना था ट्यूशन, तो उससे पहले जो है वो मन के लिए मिल्क शेक बना रही थी। चलो आयान बैठो। तो रुमीसा जो है वो ट्यूशन जाने से पहले मुझे फरमाइश करके गई थी कि अम्मी को याद स्वीट डिश बना लो। तो अब्दुल हादी को जो है स्पाइसी चीज़ें पसंद है और रुमीसा को जो है ना स्वीट डिशेस पसंद है। तो ये ड्राई फ्रूट मेरे पास था जो भी घर में, तो वो मैंने निकाल दिया था। तो साथ में जो है वो 1 लीटर दूध ले लिया था, तो इसको बॉयल करने रखा था और इसमें जो है ना 3 दाने इलायची जो थी ग्रीन वाली, तो वो मैंने ऐड कर ली थी और दूध को बॉयल आने तक जो है वो मैंने पका लिया था। और साथ में जो ड्राई फ्रूट मेरे पास था जो भी, तो मैंने उसको जो है ना मोटा मोटा कूट लिया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इतना कि मैं उसको बैठ के कट करती, तो बस मैंने ऐसे ही वो कूट लिया था। तो ड्राई फ्रूट और चीनी डालने के बाद जब दूध में बॉयल आ गया तो मैंने 1 कप दूध इसमें से अलहदा कर लिया था और उसके बाद जो है वो 1 पैकेट जो है वो सेवैया का इसमें ऐड कर लिया था। तो दूध अलहदा करने की वजह ये थी कि मुझसे हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि थोड़ा सा दूध अलहदा कर लो, तो जब शीरकुरमा ठंडा हो तो उसके बाद इसमें ऐड कर लेना। तो जी, घर में मीठा बने और जो है वो कोई छोड़ दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मेरी वीडियो बनाने से पहले ही जो है वो शीरकुरमे पे हमला हो गया था और बाद में मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और उसके बाद आज मैं खाने में बना रही थी पतली खिचड़ी और साथ में ये बना रही थी ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी आप लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर मैंने पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा, नमक और जो है ना थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें और 1 टमाटर ऐड किया था। और तो यहाँ पर ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई थी और साथ ही अब यहाँ खिचड़ी को हम भगार लगा रहे थे और साथ में जो है ना वो दही सर्व किया था। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है हम लूडो खेल रहे थे। तो जी, ये होता है नुकसान हल्का फुल्का खाना खाने का। तो मुझे जो है ना दोबारा से सैंडविच मंगवाना पड़ा था, सबको भूख लग रही थी। तो चलें जी, आज के व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।